नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि रेल प्रशासन किस तरीके से सावधानी लोगों से बरतवाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो भीड़ में तमाम ऐसे आपको लोग नज़र आएंगे जो बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हैं। अगर उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो वो तरह तरह के अटपटे बहाने सुनाने का काम करते हैं। रेल प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर ख़ास तौर पे देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं इनसे, क्या नाम है सर आपका जी? आप भीड़ में बैठे हैं, रेलवे स्टेशन है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर होते हैं, क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है सर। तो मास्क पहनना ज़रूरी है? ज़रूरी है सर, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। तब भी आपने मास्क अपना बचा करके जेब में रखा हुआ? नहीं नहीं, मास्क है हमारे पास, नहीं मास्क जेबों में। मास्क रख के लोग अटपटे बहाने सुनाने का काम करते हैं। लोगों को ये लगता है कि भीड़ में बैठने से कोरोना नहीं आएगा, सामाजिक दूरी काफ़ी नहीं है, मास्क पहनना भी ज़रूरी है। जबकि रेल प्रशासन और तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने बता दिया है कि ओमिक्रॉन की जो तीसरी लहर है काफ़ी बेहद ख़तरनाक है और इससे बचाव करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए अगर रेल प्रशासन की बात की जाए तो रेल प्रशासन भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है, लोगों को समझा नहीं पा रहा, लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, सावधानी बरतने से चूक रहे हैं।